उदाहरण तीसरे का तीसरा, गुणनखंडन करके समीकरण को हल कीजिए। वर्गमूल 3 x की घात 2 धन 10x धन 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। हल, वर्गमूल 3 x की घात 2 धन 10x धन 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। यहाँ पे या 10x को हमें तोड़ना है, इसलिए पहले हम 7 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे। तो हमें 7 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, 3 3 7 21, 21 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 21 का गुणनखंड ऐसे निकालेंगे कि 21 का गुणनखंड योग करने पर 10 प्राप्त हो और गुणा करने पर 21 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे वर्गमूल 3 x की घात 2 धन 10x को लिखेंगे हम 3x धन 7x धन 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। यहाँ पे हमने अब हम कहीं 7x और 3x को योग करते हैं तो 10x प्राप्त होता है, और 7x को कहीं 3 7 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21, जो कि हम 7 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर प्राप्त किए थे। अब या यहाँ पे जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल 3 उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, जबकि यहाँ अंतिम दो पदों में वर्गमूल 3 जो है अंतिम पद पर है। तो इसके लिए हम इस 3 को लिखेंगे वर्गमूल 3 एक्स की घात 2 धन 3 को लिखेंगे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और एक्स धन 7x धन 7 वर्गमूल 3 बराबर 0। या यहाँ से हम पहले दो पदों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे वर्गमूल 3 एक्स, तो हमें कोष्ठक के अंदर में एक्स धन वर्गमूल 3 मिलेगा। उसी तरह से धन 7 को हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स धन वर्गमूल 3 बराबर 0। अब दोनों पदों में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे कोष्ठक में एक्स धन वर्गमूल 3 और दूसरे कोष्ठक में जो है वर्गमूल 3 एक्स धन 7 बराबर 0। या एक्स धन वर्गमूल 3 बराबर 0, या वर्गमूल 3 एक्स धन 7 बराबर 0, या एक्स बराबर ऋण वर्गमूल 3, या एक्स बराबर धन 7 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7, और वर्गमूल 3 को का पक्षांतर करेंगे तो बटा 3 हमें प्राप्त होगा। अतः एक्स बराबर ऋण वर्गमूल 3 और ऋण 7 बटा वर्गमूल 3 समीकरण के दो मूल है। तो हमने देखा कि दिए गए वर्ग समीकरण के दो मूल है, x बराबर ऋण वर्गमूल 3 और ऋण 7 बटा वर्गमूल 3, जो कि दिए गए समीकरण के दो मूल है, यह इस उदाहरण का हल होगा। उदाहरण 3 का चौथा, गुणनखंड करके समीकरण को हल कीजिए। x धन 3 बटा x ऋण 2 ऋण 1 ऋण x बटा x बराबर 17 बटा 4, जहां x 0 के बराबर नहीं है। हल,
एक्स धन तीन बटा एक्स ऋण दो ऋण एक ऋण एक्स बटा एक्स बराबर 17/4 या बाएं पक्ष में हम इसका हर का लघुत्तम निकालेंगे पहले, तो हमें प्राप्त होगा x x ऋण 2, यह हमारा लघुत्तम आया। इस लघुत्तम को पहले पद के हर से भाग देंगे तो x ऋण 2 कट जाएगा और हमें x प्राप्त होगा। ये x को पहले पद के अंश से गुणा करेंगे तो x और कोष्टक में x धन 3 ऋण, अब x x ऋण 2 जो लघुत्तम आया है हमारे को हमारे पास, इसको हम x से भाग देंगे तो x x कट जाएगा और x ऋण 2 बचेगा। तो इसे हम लिखेंगे एक कोष्टक में एक ऋण x और जो हमारा बचा हुआ है x ऋण 2, इसको x से भाग दिए, x x ऋण 2 को x से भाग दिए तो x x कट गया, x ऋण 2 जो बचा x ऋण 2 उसको हम ऊपर वाली संख्या एक ऋण x से गुणा किए हैं बराबर 17/4। या हम कोष्टक को खोलेंगे तो गुणा होगा x गुणा x x की घात 2 धन 3x ऋण, कोष्टक में हम दोनों कोष्टकों को गुणा करेंगे तो एक को x से गुणा किए तो x, फिर एक को ऋण 2 से किए तो ऋण 2, फिर ऋण x को x से गुणा किए तो ऋण x की घात 2 और ऋण x गुणित ऋण 2 धन 2x बटा x, इसका कोष्टक खोलेंगे तो x की घात 2 ऋण 2x बराबर 17/4। या इसका कोष्टक जब हम खोलेंगे तो x की घात 2 धन 3x ऋण x ऋण ऋण धन 2 ऋण ऋण धन x की घात 2, ऋण को धन से गुणा करेंगे तो ऋण 2x बटा x की घात 2 ऋण 2x बराबर 17/4। या x की घात 2 और x की घात 2 को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 x की घात 2 और ऋण x, ऋण x का योग ऋण x और ऋण 2x का योग करेंगे तो ऋण 3x, ऋण 3x और धन 3x शून्य हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास शेष बचेगा धन 2, तो धन 2 लिखे हमने बटा x की घात 2 ऋण 2x बराबर 17/4। या अब हम 4 का तिर्यक गुणा करेंगे बाएं पक्ष में और x की घात 2 ऋण 2x का तिर्यक गुणा करेंगे 17 से और ये दाएं पक्ष के ऊपर में जाएगा, तो तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 4 ये, और कोष्टक में हम लिखेंगे 4 के बाद 2x की घात 2 धन 2 कोष्टक बंद बराबर 17 और दूसरे कोष्टक में ये तिर्यक गुणा होगा तो x की घात 2 ऋण 2x। या कोष्टक को जब हम खोलेंगे और गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 x की घात 2 धन 4 दूनी 8 बराबर 17, कोष्टक को खोलेंगे x की घात 2 से गुणा होगा तो 17 x की घात 2 17 दूनी 34 ऋण का ऋण 17 दूनी 34 x। या पक्षांतर हम करेंगे तो पक्षांतर करने के बाद हमें प्राप्त होगा 17 x की घात 2, ऋण x का पक्षांतर करें तो ऋण 8 x की घात 2 धन x की घात 2 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 8 x की घात 2, ऋण 34 x हमारे पास है और धन 8 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 8 बराबर 0। हमने देखा था 17 x की घात 2 ऋण 8 x की घात 2 ऋण 34 x ऋण 8 बराबर 0। या 17 x की घात 2 में कहीं घटाएंगे हम 8 x की घात 2 को तो हमें प्राप्त होगा 9 x की घात 2 ऋण 34 x
ऋण 8 बराबर 0, 8 को हम 9 से गुणा करेंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा, और 72 का गुणनखंड निकालेंगे हम, 72 का गुणनखंड निकालेंगे और हम मध्य पद ऋण 34x को इस हिसाब से लिखेंगे कि उसका जो योग है वो 34 ही आए और उनका गुणनखंड 72 आए। इसके लिए हम 9x की घात 2 ऋण 34x को हम लिखेंगे ऋण 36x और धन 2x ऋण 8 बराबर 0। अब कहीं इसका योग हम करते तो ऋण 34 मिलेगा और ऋण 36 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ऋण 72 मिल रहा है, और यहाँ पे ऋण 8 को हम 9 से गुणा कर रहे हैं तो हमें भी ऋण 72 मिल रहा है। तो इस तरह से अब हम यहाँ से पहले दो पद से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ 9x उभयनिष्ठ निकलेगा, कोष्ठक में x ऋण 9 के पाड़े में 36, 9 चौक 36, कोष्ठक को हम बंद कर लेंगे। तो हमने पहले दो पद से 9x को उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ बचा x ऋण 4, उसी तरह से अंतिम दो पद से हम उभयनिष्ठ 2 निकालेंगे तो x ऋण हमें 4 पुनः मिलेगा कोष्ठक के अंदर। अब दोनों पदों से हम x ऋण 4 का उभयनिष्ठ कहीं हम निकालते हैं तो दूसरे कोष्ठक में हमारे पास 9x धन 2 प्राप्त होगा हमको, या इसे हम लिख सकते हैं x ऋण 4 बराबर 0 होगा, या 9x धन 2 बराबर 0 होगा, या ऋण 4 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4 होगा, या x बराबर धन 2 का पक्षांतर ऋण 2, और 9 का पक्षांतर जब हम करेंगे तो ये बटा में जाएगा। तो इस तरह से हमने x बराबर 4 या x बराबर ऋण 2 बटा 9 प्राप्त किया। अतः x बराबर 4 और ऋण 2 बटा 9 समीकरण के दो मूल है। यह इस उदाहरण का हल होगा।